हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। सो एनटीए ने 7 सितंबर को एक प्रेस रिलीज़ किया था, तो यहाँ से हमें कट ऑफ बहुत ही इजीली मालूम चल जाएगा। 2022 में कट ऑफ लो होने वाला है एज़ कम्पेयर टू 2021, ये दिमाग में रखना। अच्छा खासा लो होगा, जो बीच के 40 नंबर होते हैं 582 620, उनके बीच का जो 40 नंबर है ना, उसमें जो रैंक का डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2021 और 22 में बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज़ किसी का 600 स्कोर है, तो उसका रैंक मान लो 2021 में 20,000 था, बट 2022 में 18,000 है या 16,000 है, जस्ट मानने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये मान लो ऐसा कुछ। तो फ़र्क जो देखने मिल रहा है वो हमें 3 से 2,000 का फ़र्क देखने मिल रहा है, और 2,000 काफ़ी होता है, रैंक एक रैंक काफ़ी होता है। ठीक है, सो कट ऑफ लो जाएगा 2022 में। और स्टेट वाइज देखते हैं कैसा क्या रहेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का ये मुझे नहीं मालूम, ये जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए बेटर है, जो वहाँ पे नहीं रहते हैं उनके लिए बेटर नहीं है, बिकॉज़ ऐसा मुझे जहाँ तक मालूम है, एक बार जाओगे तो फिर दोबारा यहाँ नहीं आ सकते हो, पूरा पढ़ाई करना होगा, 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद ही आप अपने घर आ सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में टोटल अप्लाइड कट ऑफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहला आपका रैंक क्या है, रैंक इंपॉर्टेंट रहता है, स्कोर का कोई मतलब नहीं है। स्कोर 600 है, 625 है, 650 है, 580 है, 590, कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो वो है रैंक। आपका भी 600 है, मेरा भी 600 है, बट मेरा रैंक है 2000, आपका रैंक है 2003, मेरा हो जाएगा और आपका नहीं हो पाएगा, या आपका वाइस वर्सा कर लो। ठीक है, आपका 2000 रैंक, मेरा 2003, तो आपका हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी सीटें होगी उतने रैंक पे वो बच्चे लेंगे, दिमाग में रखना। स्कोर कोई बोलता है इतना उतना, वो कोई मतलब नहीं रखता है स्कोर। आंध्र प्रदेश टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट है 65,000 एंड क्वालिफाइड है 40,000, तो कट ऑफ इसका हाई जाने वाला है आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश कट ऑफ लो जाता है, अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाता है। आसाम का कट ऑफ लो जाएगा और हमेशा जाता है, 560 के करीब अगर स्कोर रहता है तो आसाम में मिल जाता है। एंड ऑल इंडिया कोटा जरूर आसाम, कुछ कुछ चीज़ें भर देना, आसाम भर देना, साउथ में तमिलनाडु वगैरह भर देना, जितने स्टेट हैं जिनके कट ऑफ कम है ना, वो सब ऑल इंडिया कोटा में ज़रूर अप्लाई करना। बिहार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, बिहार का कट ऑफ मान के चलो 600 के करीब ले कर चलो, या 590। ठीक है, 590, ये मैं एकदम सेफेस्ट बता रहा हूँ, इतना पे 100% कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। चंडीगढ़ अगेन कट ऑफ हाई जाता है चंडीगढ़ का, छत्तीसगढ़ कट ऑफ लो जाता है, मतलब इन सब के कंपेयर में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सब के कंपेरिजन में छत्तीसगढ़ का कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। नगर हवेली ये नहीं मालूम, इसका भी कम जाएगा। दमन एंड दीव 195, ये भी कम है। दिल्ली का कट ऑफ मान करके चलो आप 640 या 630 या 620, मिनिमम 620। ठीक है, सेफेस्ट स्कोर है इसका 640 के करीब। गोवा, गोवा जरूर अप्लाई करना ऑल इंडिया कोटा में, गोवा जरूर अप्लाई करना, मैंने भी किया था, एक कॉलेज है वो शायद आपको मिल जाए। ठीक है, चांसेस है ऑल इंडिया कोटा में। गुजरात कट ऑफ इसका भी ठीक ठाक जाता है, बट एवरेज रहता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब, गोवा, ये सब का कट ऑफ एवरेज रहता है। हरियाणा इसका बहुत हाई गया था 2021 में, कुछ ज़्यादा ही हाई चला गया था, और इस साल भी चांसेस है जाएंगे, बिकॉज जो नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट है और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 38,000 अप्लाइड किए थे और क्वालिफाई जिसमें 26,000 कर गए, मोर देन 76,000, सो कट ऑफ ज़्यादा जाना ही जाना है। हिमाचल प्रदेश 10,000 के लगभग क्वालिफाइड है, तो इसका हिमाचल प्रदेश का भी नॉर्मल रहता है कट ऑफ। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का भी कट ऑफ एवरेज रहता है। झारखंड का कट ऑफ हाई जाएगा, झारखंड का कट ऑफ हाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बिकॉज 3 न्यू कॉलेजेस खुले हैं, बट वो मुझसे पूछोगे तो मैं, अगर मेरे छोटे भाई बहन है तो पर्सनली कभी मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा 3 न्यू कॉलेजेस में जाने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिकल उन्हें सही से मिल नहीं पाएगा। अगर हाँ खुद से पढ़ना सब चीज़ करना तो फिर जा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा तो तीनों कॉलेज बेस्ट ऑप्शन है।
कर्नाटका, कर्नाटका में भी ऑल इंडिया कोटा जरूर अप्लाई करना। कर्नाटका का भी कट ऑफ जो होता है वो लो जाता है, बिकॉज़ नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कर्नाटका के लिए भी अप्लाई करना ऑल इंडिया कोटा में। केरला, केरला का ठीक ठाक कट ऑफ जाता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप फिर अगेन नहीं बता सकता। मध्य प्रदेश एवरेज जाएगा, मध्य प्रदेश में एवरेज जाएगा 580 के करीब मिल जाएगा कॉलेज। महाराष्ट्र अगेन एवरेज जाएगा, महाराष्ट्र का भी। मणिपुर लो जाता है, मेघालय लो, मिजोरम सबसे लो जाता है इसका, नागालैंड, देन उड़ीसा, उड़ीसा का भी एवरेज रहेगा। पौंडीचेरी ठीक ठाक रहता है कट ऑफ। पंजाब, पंजाब का भी एवरेज ही समझो। राजस्थान, राजस्थान का बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 लाख के करीबन स्टूडेंट अप्लाई किए एंड मोर देन 80,000 क्वालिफाइड है। तो इतना तो सीट है नहीं, सबको तो मिलेगा नहीं जो क्वालिफाइड है। सीटें जितनी होगी मान लो 2-3 हज़ार सीटें या 10 हज़ार मान लो सीटें, जो ऊपर के 10 हज़ार बच्चे होंगे उन्हें मिलेगा, ठीक है। ऑल इंडिया को तब भूल जाओ अभी के लिए, अभी समझो जो स्टेट का है वो स्टेट में ही सारे एडमिशन ले रहे हैं, क्लियर है। तो इससे बहुत कुछ मालूम चल जाता है मेरा होगा या नहीं होगा, बहुत क्लियर कट रहता है। सिक्किम ये भी अगेन लो जाता है। तमिलनाडु देखो, ये तमिलनाडु का कहानी है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट, 1,32,000 अप्लाई किए एंड सिर्फ और सिर्फ 67,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं। और क्वालिफाइड है मतलब 137 या जो भी कट ऑफ होता है आपका, 140 मान लो कट ऑफ है, तो बस उसे क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और इनका जो देखोगे ना तो ये जो स्कोर है वो बहुत कम रहता है, वो स्कोर करीबन 480 to 560 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट का तमिलनाडु में स्कोर रहता है। सो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करो, शायद मिल सकता है, ठीक है। अब तेलंगाना, तेलंगाना का भी एवरेज रहेगा। त्रिपुरा बहुत लो जाता है। उत्तर प्रदेश इसका अगेन हाई रहता है, उत्तर प्रदेश बिहार बार बार बोल रहा हूँ मैं। 2 लाख के करीबन अप्लाई किए हैं जिसमें 1,17,000 क्वालिफाइड हैं। और न्यू कॉलेजेस खुले हैं तो स्टेट वालों के लिए लो रहेगा, बट ऑल इंडिया कोटा में अगर उत्तर प्रदेश अप्लाई करते हो तो बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। मतलब ठीक ठाक कट ऑफ जाता है। तो स्टेट कोटा के लिए उत्तर प्रदेश 9 न्यू कॉलेजेस खुलने के कारण थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हुआ है। झारखंड में भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ था, इसका भी हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत कम स्कोर तक उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस मिल गए हैं। सबसे कम जाता है एक मेरा बैचमेट है बहराइच का, उत्तर प्रदेश बहराइच मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है, तो उसका सबसे लो कट ऑफ जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड इसका भी नीचे रहता है। वेस्ट बंगाल एवरेज रहता है, वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो एवरेज रहता है। ठीक ठाक आपका स्कोर होगा 580, 590 के करीबन, 590 के करीबन होगा, सेफ है, ठीक है, आराम से हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। लद्दाख नीचे रहता है कट ऑफ। सो यही था आपका कट ऑफ का कहानी। ऑन एन एवरेज मान के चलो 595, 590, 580, स्टेट पे डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो ठीक ठाक कट ऑफ जाएगा 630 के करीबन, 620 के करीबन मान के चलना। अगर आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, दिल्ली में हो तो इन दो जो 7 स्टेट है इनका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। और आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 3 जगह जरूर अप्लाई करना, ठीक है। ये 3 जगह जरूर अप्लाई करना, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। एंड जिनको कॉलेजेस मिल जाएंगे वो पढ़ाई करना, बिकॉज़ अभी तो कुछ भी नहीं था, अभी बहुत समझो कि इसके 10 गुना ज़्यादा ऊपर या 100 गुना ज़्यादा ऊपर है MBBS की पढ़ाई। सो 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और जितना मेहनत अभी की है उसका 10 गुना ज़्यादा मेहनत आगे करना, तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।